नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। जालंधर के लम्मा पिंड चौक के पास रबड़ और पीवीसी की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दमकल विभाग की 18 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर पाया काबू। जंडियाला पुलिस ने 3 आरोपियों को किया काबू, एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस 315 बोर, एक दातर, एक बुलेट मोटरसाइकिल और 3 मोबाइल फोन किए बरामद। और अब हलचल विस्तार से। जालंधर के लम्मा पिंड चौक के पास रबड़ और पीवीसी की फैक्ट्री को भयानक आग लग गई। गौरतलब रहे कि सुबह 11 बजे फैक्ट्री को आग लगी। रबड़ की फैक्ट्री होने की वजह से आग बुरी तरह से फैल गई, जिस वजह से अंदर पड़ा सामान जलकर राख हो गया। तो वहीं फायर ब्रिगेड की लगभग 18 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। इस घटना के बारे में जानकारी देते हुए फायर ब्रिगेड अधिकारी वीरेंद्र भगत ने बताया कि सुबह करीब 11 बजे उन्हें एक फोन आया, जिसके बाद वे मौके पर अपनी टीम के साथ पहुंचे। उन्होंने बताया कि आग ज्यादा फैलने की वजह से फायर ब्रिगेड की लगभग 18 गाड़ियां लग गई। गनीमत यह रही कि इस आगजनी में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन माली नुकसान काफी हो गया। वहीं आग लगने के कारणों का पता अभी तक नहीं चल पाया है, लेकिन हो सकता है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी हो। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। मेरा नाम भाई गुरविंदर सिंह है। नहीं, काम नहीं, मैं राहगीर सिगा, लंघदा पिया सिगा इत्थों, ते उदों अग लगी सी, 10 के जाने खड़े सिगे। अच्छा। किसी ने ताला तोड़न की कोशिश नहीं की, फिर उधरों कवाड़िया उतों लिया थोड़ा ताला तोड़ के, वह सामने उन्होंने मिंद्रा पिकअप खड़ी है, वह गड्डी पहुँचाई गई इन्हों की। फिर जिन्ना होया वध तो वध फिर फायर ब्रिगेड नूं फोन किया, तो 10 मिनट बाद फायर ब्रिगेड आ गई सी, तो हूँ अग तो काबू है भाजी। फैक्ट्री बंद सी, मैं ताला तोड़िया भाजी। हम 11 बजे आईए तो अभी टाइम नाल पहुँच गए इतने बराबर ही। अग रबड़ की फैक्ट्री कोई इतने नाल नाल ही पीवीसी की फैक्ट्री फैक्ट्री। कारण का कोई पता नहीं जी, कारण की कारण हो नहीं हो, नहीं जानी नुकसान नहीं हो, कारण का नहीं पता लग सकता। ये हुशियारपुर रोड से है जी, अपने गड्डिया तो हम 15 से 18 गड्डिया इस वेल लग चुकी हैं। जंडियाला पुलिस ने 3 आरोपियों को काबू करने में सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एएसआई सुखविंदर सिंह ने बताया कि गत दिनों गुलबीर सिंह निवासी गांव गिल ने लिखित शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसके घर के बाहर बिट्टू और गुरविंदर सिंह उर्फ गोगी अपने लगभग 15 साथियों के साथ मोटरसाइकिलों पर सवार होकर आए और उनके घर पर हमला कर दिया व फायरिंग भी की। उन्होंने बताया कि इस दौरान हमलावरों ने गाली गलौच करते हुए, जान से मारने की धमकियां देते हुए उनके परिवार पर फायर किए, जिसके बाद उक्त आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, जिसके बाद पुलिस ने जांच के दौरान जसपाल सिंह उर्फ जस, मनदीप सिंह उर्फ मनु और जोगराज सिंह उर्फ गाजी को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों के पास से एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस 315 बोर, एक दातर, एक बुलेट मोटरसाइकिल और 3 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। साढ़े चौकी नवा पिंड जो गिल पिंड पिंदा, उत्थे एक रात 12-13 की रात नूं एक लड़का हैगा वा गुलबीर सिंह गोला, उहदे घर बंदे पै गए सी, गोली चली उत्थे, जिस ते उहदे बयानां ते मुकदमा दर्ज करके मुकदमा नंबर 72 मिति 13/4/13 मुकदमा दर्ज करके तवी शाम लियादी सी, तो मुकदमा दोषी नाम जो जिन्हों जो 3 दोषी अभी फड़े आ, जिन्हों अपने जसपाल सिंह, मनदीप सिंह, युगराज सिंह। तो जसपाल सिंह को देसी कटा 315 बोर के नाल रौंद बरामद किए हैं, तो दूजे दोषियों को भी दातर बरामद होए हैं। टोटल 20-25 बंदे, 7 बंदे नामजद होए आ, उन्होंने 7 बंदे नामजद किया गया, 3 काबू कर ले, बाकियों की भाल जारी है।
पंजाब पुलिस ने सुनाम के रेलवे स्टेशन सहित विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर अमृतपाल सिंह वांटेड के पोस्टर लगाए हैं। इन पोस्टरों में वारिस पंजाब दे प्रमुख के बारे में जानकारी देने वाले का नाम गुप्त रखने की बात लिखी गई है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि ये वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर लगाए गए हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि ये पोस्टर पूरे राज्य में चिपकाए गए हैं। अमृतपाल जो 18 मार्च से पुलिस की कार्रवाई के बाद से फरार है और पुलिस द्वारा कई मामलों में वांछित है, जिस किसी को भी अमृतपाल के बारे में कोई जानकारी है वे उसे नीचे दिए गए मोबाइल नंबरों पर साझा कर सकता है, जिसमें डीएसपी सुनाम 80545 45008 और एसएचओ सुनाम 80545 45114 के मोबाइल नंबर दिए गए हैं और साथ ही जानकारी देने वाले का नाम गुप्त रखने की बात लिखी गई है। काबिल गौर है कि अमृतपाल के करीबी पप्पल प्रीत सिंह को अमृतसर जिले के कथुनंगल और बटाला के आसपास के इलाके से गिरफ्तार करने के बाद यह कार्रवाई की गई है। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। देखो पूरी पंजाब पुलिस ने नाके लगाए थे, वांटेड है बंदा, इसलिए लगाए थे। उस संबंध में ही पोस्टर लाए गए हैं। जे कोई पब्लिक नूं किसी किसी तरह की वो संबंध में इनफॉर्मेशन मिलती है ता कि वह पुलिस नूं इनफॉर्म कर सके। इसलिए तुहाडे एरिया मतलब किसी किसी इन पोस्टरों नाल ही पहुँच कर रहे हो? रेलवे स्टेशन या मेन थावां ते ही है जी। इटली के एम्बेसडर विकेंजो डी लुका और यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर उगो एस्टूटो ने अकाल तख्त जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह से मीटिंग के दौरान सिख समुदाय के मुद्दों पर चर्चा की और सचखंड श्री हरिमंदर साहिब की महानता की भी जानकारी दी। उनके साथ भारतीय सिख संगठन के अध्यक्ष सुखदेव सिंह कंग भी मौजूद रहे। इस दौरान शिरोमणि कमेटी के पदाधिकारी व अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया। इस मौके पर राजदूत डी लुका और उगो एस्टूटो ने बताया कि उन्हें यहां आकर मन को बहुत शांति और खुशी मिली है। उन्होंने कहा कि वे अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं जो दरबार साहिब में आए हैं। इस मौके पर ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार से मुलाकात की और जत्थेदार से सिख समुदाय के मुद्दों पर चर्चा की और इतिहास की जानकारी दी। वहीं अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह से मुलाकात कर सिख समुदाय के मुद्दों पर चर्चा की गई और इतिहास से अवगत करवाया गया। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। दास का नाम सुखदेव सिंह कंग है और साड़ी ऑर्गेनाइजेशन इंडियन सिख कम्युनिटी इटली और इटली का अंबैसडर तीजी बारी इतने आए ने। इन्हों तो पहला भी दो बारी दूजे अंबैसडर गोल्डन टैंपल के दर्शन करके गए और सानू अज इटली के सिखा और इंडियन भारती बड़ा एक माण महसूस हो रहा है कि साढ़े इटली दे अंबैसडर दरबार साहब के दर्शनों आए आ और असी अगे भी बेनती करते हैं कि जोड़े नवे अंबैसडर आन तो जरूर इतने गोल्डन टैंपल आते हैं। आई एम द अंबैसडर ऑफ इटली विंचेंजो डी लुका एंड विद मी द अंबैसडर ऑफ यूरोपियन यूनियन उगो एस्टूटो। It's our first visit to the Golden Temple and we have been honored to be received by Jakedar Shri Akal Takat Jani Arpreet Singh Ji. It's been really an honor for us. ओलंपियन बलविंदर सिंह शम्मी को भारतीय हॉकी टीम का चयनकर्ता नियुक्त होने पर सांसद गुरजीत सिंह औजला ने उन्हें सम्मानित किया। इस अवसर पर निगम कमिश्नर संदीप ऋषि भी उपस्थित रहे। वहीं इस मौके पर गुरजीत सिंह औजला ने कहा कि ओलंपियन बलविंदर सिंह शम्मी ने हॉकी के मैदान में अमृतसर का नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा कि अब हॉकी टीम के चयनकर्ता के रूप में वे सशक्त टीम तैयार कर विश्व में भारत का नाम रोशन करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि ओलंपियन बलविंदर सिंह शम्मी पर अमृतसर को ही नहीं बल्कि पूरे पंजाब को गर्व है। वे वर्तमान में अमृतसर में महाराजा रंजीत सिंह हॉकी अकादमी चला रहे हैं। इस मौके पर बलविंदर सिंह शम्मी ने कहा कि उनकी अकादमी के हॉकी खिलाड़ी खालसा कॉलेज स्कूल और स्प्रिंग डेल स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हॉकी खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्तियां कर विभिन्न विभागों में उच्च पदों पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। साडे लई मान दी गल है कि पंजाब तो पहला साडा जिहड़ा खिडारी है जिहड़ा ओलंपियन है, खासकर वैसे भी पंजाब तो पहला मैंबर इस सिलेक्टर कमेटी के बने ने, असीं इन्हां नूं बहुत बहुत बधाई दिंदे हां। अज अमृतसर के मौजूद जिहड़े साडे दोस्त ने उन्होंने इन्हां नूं सद के
सन्मानित किया है। ऋषि जी ने साडे बलबीर सिंह जी ओलंपियन ने और होटल एसोसीएशन तो सारे जिहड़े साडे शहर के नुमाइंदे ने, क्योंकि इन्होंने बहुत मेहनत की है। महाराजा हॉकी अकैडमी जी चलाते हैं हर साल वड्डे वड्डे मैच जिहड़े आ अंतरराष्ट्रीय पद्धर के भी इत्थे अमृतसर होंदे ने और ये एक पनीरी हॉकी की जिहड़ी है वो तैयार करते हैं। ये इन्हों का परिवार इन्हों दे मिसेज सारे बड़ी मतलब तनदेही दे नाल इस गेम नू लैके हमेशा तावले रहिंदे ने। मैं सब तो पहला तो इंडियन हॉकी फैडरेशन का धन्यवाद करता कि जिन्होंने मैनू इन्ना माण बख्शिया है। और सब तो वड्डी गल है पंजाब का मैं पहला खिलाड़ी हाँ जिहड़ा कि इंडियन हॉकी फैडरेशन दे विच एज ए सिलैक्टर जिहड़ा मैनू बनाया गया है। मैं बहुत बहुत फैडरेशन का स्पैशली भोला जी का और प्रधान तिरकी का आर पी सिंह का धन्यवाद दी हाँ जिन्होंने पंजाब नू मान दिता है सिलैक्शन कमेटी दे विच। और मैं एक हॉकी प्लेयर के नाते दसना चाहना कि इहदा पंजाब नू तो फायदा होएगा ही बच्चों नू। असी टेलेंट जिहड़ा आ उह सारे हिंदुस्तान दे विच लभांगे। छोटे छोटे बच्चे जिहड़े कई पिंडां दे विच उपर नहीं आ सकदे उहनां नू लभांगे ता जो अपने हिंदुस्तान की जिहड़ी हॉकी है उहनू उच्चा चुक सकीए। शिवपुरी प्रबंधक कमेटी हरनामदासपुरा की ओर से वैसाखी के पवित्र पर्व को समर्पित शिवपुरी अखाड़ा हरनामदासपुरा में प्रधान जिम्मी शेखर कालिया की अगुवाई में कुश्ती मुकाबले करवाए गए। इस मौके पर भारी संख्या में नामी पहलवानों ने इस मुकाबले में भाग लिया। इस दौरान बच्चों की तरफ से भी बड़े ही उत्साहपूर्वक भाग लिया गया। वहीं इस मौके पर मुख्य मेहमान के तौर पर विधायक रमन अरोड़ा ने विशेष रूप से शिरकत कर कुश्ती मुकाबले शुरू करवाए। इस दौरान उन्होंने प्रबंधक कमेटी द्वारा करवाए गए इस कार्य की प्रशंसा की और विजेताओं को पुरस्कार भी बांटे गए। तो वहीं विजेताओं को स्मृति चिन्ह के साथ नकद इनाम भी दिया गया। इस अवसर पर बब्बू नीलकंठ और बंटी नीलकंठ के अलावा सामाजिक धार्मिक तथा राजनीतिक वर्ग से जुड़े लोगों भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। सतगुरु कबीर जी महाराज के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में पांचवीं प्रभात फेरी सतगुरु कबीर मुख्य मंदिर भार्गव नगर जालंधर से निकाली गई। ये प्रभात फेरी मंदिर प्रांगण से शुरू होकर अलग अलग इलाकों की परिक्रमा करते हुए सतगुरु कबीर मंदिर धर्मशाला तिलक नगर जालंधर में जाकर संपन्न हुई। इस दौरान उपस्थित भक्तों ने सतगुरु कबीर जी की महिमा का गुणगान कर माहौल को भक्तिमय रूप प्रदान किया। इस मौके पर प्रधान शिव कमल, उप प्रधान शशि भगत, कोषाध्यक्ष संजीव भगत, राजकुमार, राजन कुमार, बबल भगत, भानु प्रताप टिक्का, पार्षद वीरेश मिंटू, लाडी भगत, विशंबर भगत सहित अन्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन दविंदर की रिपोर्ट।
ਸਿਸਟਮ ਅਫਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਕਿਉਂਕਿ ਚੱਲ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮਰਦੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਹੈ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ 625 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਰਵ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਉਸੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨੀ ਕਰ ਉਸੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਅਤੇ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮੂਹ ਸੁਭਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ ਨਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤਨੋ ਜੀਵ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਵੇਰਾ ਦੇਖਦੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ 625ਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਸਾਂਝੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤਿਲਕ ਨਗਰ ਵਿੱਚ 5ਵੀਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਆਈ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁਭਾਵਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਭਾਵਾਂ ਨੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ 625ਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਜੋ 4 ਜੂਨ ਦਿਨ ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਉਸੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਆਰੰਭ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਮੁੱਖ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਜੋ 5ਵੀਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਤਿਲਕ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਮੰਦਰ ਤਿਲਕ ਨਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀ ਹੈ ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਲੰਧਰ ਛਾਵਣੀ ਕੇ ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਨੰਗਲ ਰਣਜੀਤ ਐਨਕਲੇਵ ਦੀਪਨਗਰ ਮੇ ਬਾਬਾ ਬਾਲਕ ਨਾਥ ਜੀ ਕੀ ਚੌਂਕੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਮੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਭਜਨ ਮੰਡਲੀਓ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੇ ਮਹਿਮਾ ਕਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰ ਉਪਸਥਿਤ ਭਕਤੋ ਕੋ ਝੂਮਨੇ ਪਰ ਵਿਵਸ਼ ਕਰ ਦਿਆ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਅਜੇ ਪੀਵਲ ਨੇ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਅਤਿਥੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਮਾਥਾ ਟੇਕ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਆ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਦਿਰ ਕਮੇਟੀ ਕੇ ਸਦੱਸਿਓ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਅਜੇ ਪੀਵਲ ਕੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਸੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਭੀ ਕੀਆ ਗਿਆ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਬਲਬੀਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕਰਨਲ ਵੀ ਕੇ ਵਿਕਟਰ ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰਮੇਸ਼ ਸੰਦਲ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਚੌਹਾਨ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨਵਲ ਸਿੰਘ ਰਿਸ਼ੀ ਚੰਚਲ ਦੇਵੀ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਮੀਨੂ ਬੱਗਾ ਬਬੀਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ੀਲਾ ਦੇਵੀ ਕੰਗ ਪੁਸ਼ਪਾ ਸੰਦਲ ਸੁਦੇਸ਼ ਚੌਹਾਨ ਰੀਨੂ ਨੀਲਮ ਕਮਲੇਸ਼ ਸੀਮਾ ਕਵਿਤਾ ਸੋਨੀਆ ਰਿਤੂ ਔਰ ਮੰਜੂ ਸਹਿਤ ਅਸੰਖਯ ਭਗਜਨ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲਿਏ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਤਿਨ ਰਾਜਪੂਤ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से जालंधर के लम्मा पिंड चौक के पास रबड़ और पीवीसी की फैक्ट्री में लगी भीषण आग दमकल विभाग की 18 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर पाया काबू जंडियाला पुलिस ने 3 आरोपियों को किया काबू एक देसी कट्टा एक जिंदा कारतूस 315 बोर एक दातर एक बुलेट मोटरसाइकिल और 3 मोबाइल फोन किए बरामद इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल